नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पंजाब में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ चल रहे जालंधर से सांसद संतोख सिंह का निधन हो गया है। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे और इससे पहले संतोख सिंह चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना में एक एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। और इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संतोख सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चल रहे संतोख सिंह को हार्ट अटैक आ गया। हालात बिगड़ता देख तुरंत उनको फगवाड़ा के बिरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनका कुछ देर इलाज चला, मगर वो जिंदगी की जंग हार गए। बताया गया है कि संतोख सिंह के हार्ट अटैक की वजह से देहांत हुआ है। उन्हें हार्ट अटैक के बाद फगवाड़ा के एक निजी अस्पताल में लाया गया था, लेकिन तब तक उनका देहांत हो गया था। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बेहद ही एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें आपको, जालंधर के सांसद संतोख सिंह का निधन हो गया है। बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और वहीं अब यह यात्रा पंजाब पहुंची थी, जहां पर दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते ही संतोख सिंह का निधन हुआ है और वो यात्रा में शामिल थे, लेकिन उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन इलाज, बताया जा रहा है, इलाज से पहले ही पता चला कि उनका देहांत हो गया है। इसरो ने जोशीमठ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दिखाया गया था कि शहर 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर नीचे डूब गया है। लगातार बढ़ते संकट के बीच अब इसरो की ये रिपोर्ट भी रहस्यमय तरीके से उसकी वेबसाइट से गायब हो गई है। रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि जमीन धंसने की ये घटना 2 जनवरी से शुरू हुई। रिपोर्ट अब NRSC की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और इस PDF रिपोर्ट का लिंक अब काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट ने उत्तराखंड के चमोली जिले के पवित्र शहर में मौजूदगी की गंभीरता का संकेत दिया था और इससे बताया गया कि ये क्षेत्र कुछ दिनों के अंतराल में 5 सेंटीमीटर के आसपास कम हो गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रद्धा वर्कर मर्डर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि पोस्टमार्टम एनालिसिस के पता चला है कि श्रद्धा की हड्डियों को आरी से काटा गया था। मंगलवार को दिल्ली एम्स में हुई पोस्टमार्टम एनालिसिस से यह जानकारी सामने आई है। हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वर्कर की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस करवाया था और जिसकी रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली पुलिस जनवरी के आखिरी सप्ताह में साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कथित तौर पर श्रद्धा वर्कर की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने कर दी थी। हत्या के बाद आफताब ने कथित तौर पर उसके शव को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया था। इससे पहले उसने शव के टुकड़ों को घर में फ्रिज में रखा था। आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल और गुरुग्राम में हड्डियां बरामद की थी और पिछले महीने एक DNA टेस्ट में इन हड्डियों के श्रद्धा के होने की पुष्टि हुई थी। DNA टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता सैंपल का इस्तेमाल किया गया था और पुष्टि के बाद दिल्ली में मौजूद एम्स में ही हड्डियों का पोस्टमार्टम किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही सुविधा सहूलियत सुनिश्चित कराने के लिए गोरक्षपीठ में ही डेरा डाल दिया है। मकर संक्रांति पर होने वाले पारंपरिक रूप से विशिष्ट दिव्य और भव्य आस्था की खिचड़ी निवेदन पर्व को लेकर मंदिर और मेला परिसर की हर व्यवस्था पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं के प्रति मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ ईश्वर की संवेदनता को ही इसी के समक्ष जा सकती है और बीते 4 दिन में वो दूसरी बार रात्रिकालीन निरीक्षण पर निकले। गोरखपुर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत
अवैद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के बाद ही निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह और गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ही सम्मिलित हुए। शाम को मंदिर वापस लौटने के बाद से ही वो खिचड़ी मेले की तैयारियों की जानकारी लेने और योजित निर्देश देने के लिए जुट गए। चूँकि श्रद्धालुओं का रेला बाबा गोरखनाथ की पावन तपोभूमि पर अभी से आने लगा है, इसलिए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रात्रिकालीन निरीक्षण भी किया। बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पार्श्व गायक सोनू निगम ने स्वागत में ही गोरखपुर महोत्सव के समापन में गोरखपुर के लोग उमड़ पड़े। बता दें आपको कि सोनू निगम ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि देर रात तक लोग उनके गीतों पर सुर की लहर में गाते हुए चले गए। खचाखच भरे पंडाल में दूर तक लोग मोबाइल पर सोनू निगम को कैद कर लेने के लिए आतुर दिखाई दिए और शाम से ही सोनू निगम के दीदार के लिए रुके लोग दिल थाम के बैठे रहे। सोनू निगम के मंच पर आकर जलवा बिखेरा तो लोग एक के बाद एक उनके परफॉर्मेंस पर झूमते हुए दिखाई दिए। उनके गीतों पर जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता रहा। सोनू निगम ने अपने सुरीली आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि वहां पे लोग जो मौजूद थे वो झूमने लगे। वेतन और पीएफ दिए जाने की मांग को लेकर 5 दिन से धरने पर बैठे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने जिम्मेदारी अधिकारियों की 13वीं संस्कार का मुंडन कराया और बाद में भोज पर ही संवेदनहीन अधिकारियों को वेतन देने की गुहार लगाई। शहर मुख्यालय के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में 5 दिन से धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने एक्सियन और अधीक्षण अभियंता की 13वीं भोज किया है। संविदा कर्मियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण संविदा कर्मियों का वेतन 2 महीने से नहीं दिया गया है, न पीएफ दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के परिजनों का जीना मुहाल हो गया है। जब संविदा कर्मचारी ही जिंदा नहीं बचेगा तो फिर गैर जिम्मेदार अधिकारियों का जीना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए आज अधिकारियों की 13वीं भोज कर अधिकारियों को जगाने का काम किया गया। देखिए, हम लोगों की आपके माध्यम से जरूर ऊपर बात जा रही है, मगर शासन प्रशासन का कोई भी मुआंदा हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से जान जोखिम में डालकर विभाग की सेवा कर रहे हैं, फिर भी कोई अधिकारी शासन प्रशासन का कोई भी हम लोगों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी जिस कंपनी के अंडर पे हम लोग काम कर रहे थे वो कंपनी धोखेबाज थी, आज भाग चुकी है। अब हम लोगों को किस तरह पैसा मिलेगा, किस तरह हमारे कर्मचारी घायल हुए हैं, उन लोगों का इलाज होगा। हम लोग बहुत परिस्थिति में गड़बड़ पड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन चलाते रहेंगे। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है। कभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता आप तक पहुंचा? राजनेताओं को हम लोगों को अपने बीच में लेना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी उसमें नेता नगरी होने लगेगी, फिर हम लोगों को धरना प्रदर्शन खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग किसी नेता को नहीं बुलाए हैं, ना बुलाएंगे और ना हम लोग अपने उस पर करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर जो हमारा जो समाज सेवक है वो समाज सेवक हमारा सहयोग करे, हम किसी राजनीति पहलू पे नहीं जाएंगे अगर जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। विभागीय अधिकारी कौन आया? विभागीय अधिकारी हमारे अधीक्षक अभियंता आए थे, मगर हम लोगों को समझा नहीं पाए क्योंकि उनके हाथ में हम लोगों समस्याएं हैं नहीं। अधिकारी आज तक हम लोगों का हाल चाल लेने नहीं आए। इन लोगों ने आज तक हमारे लाइनमैन SSO उनका जो है 2-2 माह का वेतन रोक रखा है और 10 माह से इन लोगों ने अभी तक PF नहीं दिया है। सारे के सारे हमारे लाइनमैन SSO ये भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, इनके परिवार भूखों मर रहे हैं, यानी कि मरने की स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ के जो अधिशासी अभियंता हैं मैं इनकी 13वीं संस्कार करूँ। मेरे तो बच्चे मर ही गए हैं तो इससे अच्छा मैं इनकी ही संस्कार कर दूँ। इसलिए आज हम ये भोजन वोजन बनवा रहे हैं और बनवा करके सभी लोग यहाँ खाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो है जितने ये कर्मचारी हैं, समदा कर्मचारी हैं, इन लोगों ने मुंडन संस्कार भी करा है और मुंडन संस्कार करने के बाद हम इस क्रम में बैठ चुके हैं कि हम आज नहीं, आज तो यहाँ बैठे हैं, यदि मेरी कोई ये बात नहीं मानते हैं तो यहाँ से लेकर के हम रोड से लेकर के और कोर्ट तक जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गौशाला में ठंड और भूख प्यास से दर्जनों गोवंश की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने गोरक्षक कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है और साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी गोवंशों की मौत के मामले में चुप्पी तोड़ते हुए विभागीय जाँच कर ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्नाव के हसनगंज विकास खंड ग्राम पंचायत जसमड़ा बब्बन में बनी अस्थाई गौशाला में दर्जनों गोवंशों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने गोवंशों को और रक्षकों के साथ गौशाला पहुंच गए और मृत और जिंदा गोवंशों को कुत्ते नोचते दिखे और जिसके बाद लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वहीं गौशाला कर्मचारियों ने आनन फानन में गोवंशों को गौशाला के अंदर ही दफनाने में जुट गए हैं। मामले को लेकर नाराज ग्रामीणों ने बताया है कि हमारा खेत गौशाला के पास में ही और रोजाना गौशाला के पास से ही निकलते हैं। कुछ लोग आते हैं ना 10 बज के जसमड़ा बब्बन में जो गौशाला बना हुआ है उसमें जो है कुछ गौवंश मरे पड़े हैं और जिनको कुछ अधमरे हैं जिनको कुत्ते नोच रहे हैं। ऐसा जब मैंने वीडियो मांगा तो वीडियो भी आया, फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात की उनके नंबर पे, तो उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को भेज रहा हूँ। तो उसके बाद जब अधिकारी पहुँचे वहाँ तुरंत गए तो ग्रामीणों ने बताया कि वीडियो साहब ने उनसे कहा कि कहाँ इसमें जानवर मरे पड़े हैं, एक जानवर मरा पड़ा है केवल। उनसे ग्रामीणों से भद्रता भी की और बोले कि जानवर हैं, उसी में से किसी जिम्मेदार कर्मचारी ने कहा कि जानवर हैं तो मरेंगे ही। अब इस तरीके से अमानवीय कृत्य है एक तरीके से, और हम सनातनी लोग हैं, गाय को माता के समान मानते हैं, गौवंश हमारे लिए पूजनीय है। इस तरीके से अमानवीय जो कृत्य है ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। हम इन पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जो ग्राम सभा जसमड़ा बब्बन है वहाँ पे एक अस्थायी गौवंश बना हुआ है और वहाँ पे जो गायें हैं जब हम गए सुबह तो देखा कुत्ते 50 नोच रहे थे बछड़ों को, तो हम गए अंदर, प्रधान के पास फ़ोन मिलाया, हमने कहा कि जो है ऐसा ऐसी बात है, तो बोले कि जो है तुमसे क्या मतलब। तो हमने बुलाया अजीत भैया को, तो उन्होंने वीडियो बनाई, उसके बाद मंत्री साहब आए, उसके बाद उन्होंने जो आए तो उसके बाद तुपवाने लगे और उसके बाद जो है कम से कम 25-30 जानवर मरा हुआ पड़ा था। उस वहाँ के जो केयर टेकर थे वो गाली से बात कर रहे थे और प्रधान ने भी गाली, हमारे पास वीडियो भी है सब। और जो है वहाँ पे चारा जो है तीन मौके पे वहाँ पे वीडियो साहब पहुँचे, मंत्री साहब पहुँचे, प्रधान पहुँचे। अपने परिजनों के भय से घर से भागकर फतेहपुर जिले की अदालत के समक्ष कानपुर निवासी एक प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज किया है और इसके पूर्व में ही दोनों ने मंदिर में भी शादी की है। शादी के बाद यदि प्रेमी युगल के ही किसी प्रकार के कोई घटना होगी तो लड़की ने अपने परिजनों को जिम्मेदार बताया है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड पर है, वहीं बांदा जिले की पुलिस माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। जहां एक 74 वर्षीय वृद्ध के घर में ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया और वृद्ध न्याय के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला लोधा कुआ बलखंडी नाका के पास का है। यहाँ पर बता दें आपको 74 वर्षीय वृद्ध के घर में भू माफिया रंजन खान पुत्र या कूब खान ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। जब पीड़ित अपने घर पहुंचा तो बाहर का ताला टूटा हुआ पाया गया, तो अंदर जाकर देखा तो पीड़ित के होश उड़ गए। भू माफिया रंजन खान द्वारा वृद्ध को बुरी बुरी गालियां और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और तो वही पीड़ित ने ही मुख्यमंत्री पोर्टल और बांदा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक वृद्ध और बेसहारा को न्याय नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस वृद्ध को न्याय आखिर कब मिल पाता है। आज कोतवाली गए थे आप मकान की समस्या को लेकर के, क्या मामला क्या है साहब? सारी दास्तान मैंने कोतवाली में बता दी है। हाँ, फिर ये मेरा मकान है, इसमें अराजक तत्वों द्वारा जो है ताला तोड़ करके
कब्जा कर लिया गया और रहने भी लगे। अच्छा, मेरा सामान पता नहीं कहाँ है, मेरा सामान भी रहता रहा है कि मैं यहाँ पर रुकता रहा हूँ। हाँ, मकान में ताला लगा था इस पे, मेरा ताला लगा था। हाँ, अभी आज ही मेरे पास है, लेकिन जब मैं आया हूँ 8 तारीख को उस दिन ताला वाला खुला था। ताला किस दिन कटा है? ताला मैं 8 तारीख को मैंने देखा है। अच्छा, तो खुला था, कट गया है। पहले आप थाने गए थे, शिकायत किया कहीं? आज के बाद फिर मैंने लिखा पढ़ी की है। कहाँ कहाँ किया है आपने शिकायत? 9 तारीख को SP साहब के यहाँ और 9 को ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ और 9-10 को उसमें कोतवाल साहब के यहाँ अपने आवेदन पत्र दिया है। अच्छा अच्छा, तो उसमें कुछ आश्वासन मिला आपको? किसने कब्जा किया है? रंजन खान। नाना ने घर कब खरीदा था आपके? मार्च। कब, किस सन में? 20 में खरीदा था। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने कुछ जहरीला खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई है। जहरीला पदार्थ खाने से पत्नी की मौत के कुछ ही देर बाद पति ने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। दंपति ने अपने पीछे 6 महीने के एक मासूम सहित 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि पति पत्नी में कोई कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीर को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इटावा में दुकान बंद कर लौट रहे सराफा व्यापारी से सोने चांदी के जेवरों से भरे बैग को छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें आपको कि भागते हुए बदमाशों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सराफा व्यापारियों की शिकायत पर ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घटना आपको बता दें थाना उसराहार क्षेत्र की बताई जा रही है, जहाँ पर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सराफा व्यापारी से बैग छीन कर आरोपी फरार हो गए हैं। बता दें आपको कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही व्यापारी लूट का शिकार हो गया है। लगातार ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं और वहीं पर अब इटावा से भी खबर सामने आई है, जहाँ पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला गुड़सराय थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगार का है, जहां पर गुलाब हर बार पुत्र परमाई अरी अहिर परिवार द्वारा ही गुड़सराय थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि गुलाब अहिर बार बुधवार को ही पुरानी गाड़ी से मारुति वैन खरीद कर रात करीब 10 बजे अपने घर सिंगार ही आया और उसने अपनी गाड़ी को बाड़े में ही खड़ा कर दिया और इसके साथ ही जहां पर उसके कृषि का सामान ट्रैक्टर पाइप इत्यादि रखा हुआ था, तभी रात्रि में ग्राम सिंगार निवासी ओम प्रकाश उर्फ चिलू पुत्र मोतीलाल द्वारा ही कार में आग लगा दी गई, जिसके चलते कार और कृषि के लिए रखे गए पाइप इत्यादि सामान जलकर खाक हो गया। दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर गुड़सराय पुलिस ओम प्रकाश पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बदायूं जिले में ही भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर सैदपुर अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने के लिए इंजेक्शन लगाने तक पैसा देना पड़ता है। अगर मरीज देने से असमर्थ व्यक्त करता है तो जूते मारने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में पीड़ित किसान यूनियन की मदद लेकर CMO और जिलाधिकारी तक शिकायत करने पहुंच गया और योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती हो, लेकिन बदायूं में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जहां अधिकारी कर्मचारी खुलेआम निडर होकर भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हुए हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं बदायूं के सैदपुर अस्पताल की, जहां पर डिलीवरी कराने आए ग्रामीण का आरोप है कि जब वो अपने मरीज की डिलीवरी कराने पहुंचा तो उससे
दवा लेने की 400 रुपए के लिए गए और फॉर्म भरने के 1100 रुपए मांगे गए, तो पीड़ित ने देने से ही असमर्थ जता दिया, जिसके बाद उसे पूरे स्टाफ ने जूते मारने की धमकी दी। इस संबंध में ही वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मनवा निवासी रामपाल ने भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से सीएमओ को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डिलीवरी को लेकर यहां पे मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के लिए परिजन से पैसे मांगे गए हैं, अस्पताल गए हुए थे, जहां पर सीएमओ और जिलाधिकारी से इसके अब शिकायत कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।